क्या ये हकीकत है कि अमेरिका ने आपको DGISI की वजह से हटवाया था? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस, फिर वो आपको अमेरिका आपको बतौर आर्मी चीफ कैसे कबूल कर लेता? नहीं तो यही तो बात थी ना, ये तो प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने मुझे कहा था। क्या कहा था? जैसे जब वो रिकमेंडेशन हुई थी तो फिर वो नवाज शरीफ का और गुलाम इसहाक का डिफरेंस था, तो जिस वक्त हम आए गुलाम मोहम्मद के नाम के ऊपर, तो मैंने कहा ये सारे के सारे नामों में से एक ही आदमी शरीफ है और रिलीजियस माइंडेड है और इस वक्त इस फौज को दीन की बहुत सख्त जरूरत है। तो उसने कहा था कि इजंट वन इनफ ऑलरेडी, हाउ कैन वी हैव टू ऑफ यू। अच्छा, आपके बारे इशारा कर रहे थे? मेरी तरफ इशारा कर रहा था।